हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे मिथिला का बहुत ही प्रसिद्ध और स्वादिष्ट तरुआ। तरुआ पकौड़े से अलग होता है क्योंकि इसमें जो बैटर रहता है वो बेसन नहीं, वो पिठार होता है। पिठार चावल को भिंगोकर बनाया जाता है। इसे दोपहर के समय खाने का प्रचलन है क्योंकि इसे जब हम भात दाल सब्जी खाते हैं तो उस समय ये तरुआ खाने का प्रचलन है मिथिला में, या फिर जब कोई भोज हो बड़ा जिसमें कि खाना भात हो तो उस समय इसे बनाकर खाने का प्रचलन है। तरुआ तरह तरह के फूल पत्ती और बहुत सारे सब्जियों को इस पिठार के बैटर में लपेट करके हम तल कर बनाते हैं। इसमें कुछ तरुए का बहुत ही विशिष्ट स्थान है, जिसमें कि तिलकोर का तरुआ और दूसरा है खम्हरुए का तरुआ। तो तिलकोर का तरुआ आज हम आपको बनाकर दिखलाएंगे और खम्हारू के तरुए का वीडियो है हमारे चैनल पे, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करें और देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है चावल। ये कच्चा चावल है, जिस चावल का आप खीर वगैरह बनाते हैं। बॉइल्ड राइस नहीं लेना है, उबला हुआ चावल हमें नहीं लेना है। और इसे आप जितनी मात्रा में पिठार बनाना चाहें उसके हिसाब से आप चावल लें। इसे धो करके साफ कर लेना है और पानी डाल करके इस तरह से भीगने के लिए छोड़ देना है। पानी में कम से कम इसे 2.5 से 3 घंटे भिगोना है क्योंकि ये चावल जितने अच्छी तरह से भीगा रहेगा जब हम पिठार पीसेंगे तो हमारा पिठार उतना ही अच्छा स्मूथ और तरुआ हमारा सॉफ्ट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चावल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भींगा हुआ हो। करीब 3 घंटे हमारा हो चुका है और चावल अच्छे से भींग चुका है, तो पानी अब हम इसका निकाल लेंगे और इसे छान करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। अभी इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर हम पीसेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम बीच में थोड़ा सा और पानी डालेंगे, लेकिन इसका पेस्ट बहुत ही थिक पीसना है हमें। पिठार हमारा पीस चुका है और इस इतना ही थिक आपको भी पेस्ट पीसना है। और ये आप चाहें तो अधिक मात्रा में पीस करके फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा, महीनों पड़ा रहेगा। अगर सूख गया ये तो जब भी आपको यूज़ करना हो इसे बाहर निकाल लें, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दें और नमक हल्दी मिक्स कर लें और ये तैयार रहता है फिर से तरुआ बनाने के लिए। अब हमें सबसे पहले इस पिठार में नमक और हल्दी हमें मिक्स कर लेना है। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, हमें जितना नमक तेज खाना पसंद है उसके हिसाब से हम रखेंगे। और थोड़ा सा पानी मिक्स करके पिठार को हम घोलेंगे और इतना ही थीक हमें इसका बैटर रखना है जिसमें डुबो करके हमें तरुआ बनाना है। पिठार हमारा पिसकर तैयार हो गया है, तो आइए अब हम जिन चीज़ों की हमें तरुआ बनानी है आज उसकी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिए हैं तिलकोर। ये तिलकोर का पत्ता है, इसकी बेलें आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप किसी महानगर में भी रह रहे हो फिर भी ये बेलें आपको कहीं न कहीं दिख जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये चिकना पत्ता होता है, इस तरह के इसमें सफेद फूल आते हैं और ये देखिए ऐसे कुंडली जैसा छोटा छोटा इसमें फल आता है। ये भी बहुत छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा। आप कुंडली जो खाते हैं तो कुंडली जैसा ही इसमें फर आता है, ये खाया नहीं जाता है लेकिन फर वैसा ही आता है। बाद में आप देखेंगे तो ये पक कर के लाल हो जाता है। और इस तरह से ही आप देखेंगे कहीं पे भी बाउंड्री वॉल पे या पेड़ पर कहीं पे भी आपको ये दिख जाएगा पत्ता। खासकर ये गर्मियों में मई जून के महीने में ये काफी फैलता है और बारिश में थोड़ा कम हो जाता है।
तो आप ये ध्यान पर रखें, अगर आपको ये पत्ता मिलता है तो इसे आप बना कर खाएं। ये मिथिला का बहुत ही विशिष्ट तरुआ है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ ही साथ इसका बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू भी है। ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। तिलकोर के पत्ते को हमें एक पत्ते के अंदर एक छोटा पत्ता ऐसे डालेंगे और उसे हम फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे। या अगर पत्ता ठीक है और बड़ा है तो एक पत्ते को ही हम मोड़ लेंगे। पत्ता तोड़ते समय हम ध्यान रखेंगे कि जो थोड़ा सा थिक पत्ता हो वो हम लेंगे, जो बिल्कुल नया पत्ता निकला हुआ हो वो नहीं लेना है, नहीं तो वो थोड़ा सा मुलायम रहता है। और इसी तरह से सभी को मोड़ते हुए हमें तरुए के लिए तैयार कर लेना है। या आप चाहें तो इस तरह से एक पत्ते को आप खुला हुआ पत्ता भी तल सकते हैं, लेकिन ये जब दो पत्ते को एक साथ मोड़ कर तलते हैं तो काफ़ी क्रिस्प होता है तरुआ, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम तिलकोर का तरुआ बना लेंगे। इस तरह से पिठार में डुबोएंगे और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे निकाल देना है और दोनों तरफ से पलट करके इस तरह से हमें इसको डुबो करके बारी बारी से हम तेल में रखेंगे। और एक तरफ से जैसे ही लाल होने लगे, हल्का सा वो लाल होने लगे, तो तुरंत उसे हमें पलट देना है। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तेल गर्म रहता है और चूंकि ये पत्ता ही है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे पकने में। जैसे ही हल्का सा लाल होने लगे इसे पलट देना है और इस तरह से दोनों तरफ से इसे पलट करके बनाना है। इसे बहुत देर तक कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये पत्ता तुरंत जल जाएगा। तरुआ हमारा तैयार है तो इसे हम अब तुरंत छान लेंगे। इस तरह से एक छन्नी पे छान लें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है वो निकल आएगा। तिलकोर का तरुआ थोड़ा तेल सोखता है तो उसे जो भी उसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमें निकाल लेना है। और तरुआ हमारा तिलकोर का तैयार है। और ये है हमारा दूसरा पत्ता, ये है खमहरुए का पत्ता। हम पहले आपको बता चुके हैं कि खमहरुआ का भी बहुत विशिष्ट स्थान है तरुए में, मिथिला में, और ये उसका पत्ता है। तो इसके भी जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं उससे तला जाता है, उसका भी तरुआ बनता है। तो हमारे पास इसका एक बेल है तो मैं लेकर आई हूँ। और अब हम बनाएंगे खमहरुए के पत्ते का तरुआ। सभी पत्ते को बारी बारी से इसे भी मोड़ लेना है, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पिठार में डुबोना है बारी बारी से और एक एक करके हमें तेल में डालना है। और ध्यान रखना है कि इसको तुरंत पलट भी लेना है, नहीं तो जल जाएगा, पत्ता ही है, बहुत जल्दी पक जाता है। और जैसे ही तेल में आप इसे डालेंगे ये तुरंत जैसे थोड़ा सा ऐसे फूल सा जाता है और तरुआ इसका बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्प बन के तैयार होता है, बिल्कुल कुरकुरा। और तुरंत इसे पलट लेना है और जैसे ही ये हल्का सा लाल होने लगे इसे तुरंत निकाल लेना है। तरुआ बनाते समय ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही इसे छोड़ना नहीं है कि 2-4 मिनट के लिए तेल में ऐसे, हम ध्यान से उसे पलटते रहेंगे बार बार ताकि जले नहीं। और आँच भी हम तेज ही रखेंगे, अगर आँच हम कम कर लेंगे तो तरुआ हमारा क्रिस्प नहीं हो पाएगा, तो तेज आंच पर ही बहुत सावधानी से इसे बनाना है। तो तरुआ हमारा तैयार हो चुका है। तो तेल इस तरह जो भी एक्स्ट्रा है वो इसे निकाल लेना है। तो खमहरुए के पत्ते का तरुआ हमारा तैयार है। अब हम बनाएंगे आलू का तरुआ। आलू को छील करके इस तरह से स्लाइस काट लेना है उसका। और दूसरा तरुआ है परवल। परवल को हल्का सा इसी तरह से पील कर लेना है, इसको छीलना नहीं है, बस चाकू से
हल्का सा ऊपर जो एक हरी हरी सी इसमें परत है उसको छील के हटा लेना है और इसे धोकर साफ कर लेना है। और इसकी फिर इस तरह से पतली पतली स्लाइस काट लेनी है। और ध्यान रखना है कि इसमें मोटा बीज ना हो, इसका बीज बिल्कुल सॉफ्ट हो, वही परवल आप तरुआ के लिए लें। आलू और परवल हमारा कट के तैयार है, तो आइए अब इसे तल लेते हैं। तेल हमारा गर्म है, इसे पिठार में इस तरह से डुबोना है और सावधानी से तेल में रखना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से पिठार कोट होना चाहिए। तो पिठार बनाते समय यही ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, कि इतना ही थिकनेस होना चाहिए पिठार का, जो जो भी हम सब्जी तलें उसके ऊपर अच्छे से कोट हो पिठार का, ताकि तरुआ हमारा बिल्कुल ही क्रिस्प कुरकुरा तैयार हो। और अब हम लेंगे परवल, पिठार में हम इसे डुबो देंगे और बारी बारी से एक एक रखना है और एक तरफ अच्छा सा इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही एक तरफ से ये अच्छा सा लाल होने लगे तो हम इसे पलट लेंगे। जैसे जैसे ये लाल हो रहा है हम एक एक कर सभी आलू और परवल दोनों के ही टुकड़े को पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छा सा इसे गुलाबी होने देंगे। उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। जैसे जैसे ये हमारा पककर तैयार हो रहा है हम बारी बारी से सभी को निकालते जाएंगे। एक एक कर छन्नी पे हम रखेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। और इस तरह से हमारा तरुआ बनके तैयार है आलू और परवल का। और अब हम बनाएंगे भिंडी का तरुआ। भिंडी को धो करके सूखे कपड़े से इसे पोंछ लेना है और इस तरह से इसे हम काटेंगे। बीच से इसे चीरा लगा देना है और इससे हम ये भी देख सकते हैं आसानी से कि भिंडी में कोई कीड़ा न लगा हुआ हो और देखने में इसका तरुआ भी अच्छा लगता है इस तरह से कटा हुआ। इस तरह से चेक कर लेना है। भिंडी हमारा सारा कट चुका है तो अब हम इसे तल लेंगे। तेल हमारा गर्म है तो इस तरह से पिठार में इसे भी डुबो करके और एक एक कर हम तेल में डालेंगे। और आँच हमें तेज ही रखना है, आँच हमें ना तो मीडियम करना है ना ही स्लो। अगर बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाता है तो आप मीडियम कर लें लेकिन स्लो नहीं करें, नहीं तो तरुआ बहुत सारा तेल सोख लेगा लेकिन वो क्रिस्प नहीं हो पाएगा। तो तेज आंच पर ही हम इसे सावधानी से बनाएंगे। जैसे ही एक तरफ हल्का सा गुलाबी लाल होने लगे हम इसे पलट लेंगे और इसे इस तरह से पलटते हुए दोनों तरफ से इसे हम हल्का लाल होने देंगे। पलटते समय सावधानी रखना है। और जैसे ही दोनों तरफ से ये हल्का सा गुलाबी लाल होने लगे तो हम इसे निकाल लेंगे। तरुआ हमारा हो चुका है तो इसे अब हम छान कर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा भिंडी का तरुआ तैयार है। और अब हम बनाएंगे खीरा और लौकी का तरुआ। तो खीरा को हमें धोकर साफ कर लेना है, छील लेंगे और इसके बाद इसके इस तरह से पतले स्लाइस काट लेंगे। लौकी को भी धोकर हम छील लेंगे और उसके भी इस तरह से गोल गोल पतले स्लाइस कर लेंगे। तेल हमारा गर्म है तो यहाँ हम लौकी और खीरे को एक साथ तलेंगे। तेज आंच पर ही एक साइड अच्छे से हमें इसका गुलाबी होने देना है और तब हम इसे पलटेंगे। लौकी खीरा को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ध्यान रखना है कि जले नहीं, ज़्यादा ब्राउन ना हो। जो पिठार का कोट है वो सिर्फ बहुत ही अच्छे से कुरकुरा होना चाहिए। और अभी हल्का सा गुलाबी होने लगा है तो इसे हम पलट लेंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे जो भी हमारा पीस खीरे या लौकी का गुलाबी होता जा रहा है उसे हम निकालते रहेंगे।
इस तरह से इसे छान करके हमें सारा एक साथ निकाल लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा तेल है इसे छानने से इस तरह निकल जाता है। और हमारा खीरे और लौकी का कुरकुरा सा तरुआ तैयार है। तो अब हम बनाएंगे बैंगन का तरुआ। बैंगन का तरुआ बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि गोल वाला बैंगन ही हो और इसमें मोटा बीज ना हो। अगर बीज रहेगा तो तरुआ खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटा बीज ना हो बैंगन में। और इसे इस तरह से गोल गोल काट लेना है और इतने ही ठीक काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसके पीस को। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसे तल लेंगे। एक तरफ से तेज आंच पर ही अच्छे से इसे गुलाबी हो लाल होने देंगे और उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। और जैसे जैसे तरुआ हमारा होता जा रहा है एक एक कर उसे निकालते जाएंगे। जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल है वो हमें निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा बैंगन का तरुआ तैयार है। तो इस तरह से हमारा तरुए का थाली तैयार है। वो ये देखने में जितना ही सुंदर है खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो आप भी इसे जरूर बनाएं, खाएं और मिथिला के स्वाद से परिचित हों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय।